आपके हाथ रख हाथ रख के आपके पे ये तू फिगे गा है या तेरे बाप ने नहीं एक मिनट कुरान पाक के पुराने पाक से हाथ रख के कवे के मैनु लाहौर आया मेनु ने नहीं फड़िया नहीं फड़िया इन्होंने पैसे दे के दलावर पाई ने हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ज़हीर हसन फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये कोई चपली मार रहा होगा। आज शेब भाई, समर भाई और मैं, हम तीनों जो है एक साथ अली वीर की धूल जो है वो पिंजेंगे। नहीं, हम लोग जो है ना, ये मे भी मेरी लास्ट वीडियो इन दिनों में मार जाना है, इन्हें मार जाना है। शेर भाई को बुलाते हैं अली वीर का अब्बा जी। नहीं नहीं, मे भी मेरी ये लास्ट वीडियो अगेंस्ट इनके, ठीक है, क्योंकि समझा मरण लगा। नहीं मतलब मैं ना अब इनका थोड़ा सा ट्रेंड से हट कर, आपको पता है मैं कार्स वगैरह के मतलब मैं भी वीडियो बनाता हूँ, शेर भाई भी, मे भी हाल फिलहाल में समर भाई भी स्टार्ट कर लें, लेकिन हर टॉपिक चाहना है हर तरह की। अच्छा, बिजनेस भी करना है मेन चीज है। मे भी हम लोग जो है ना वो अब अपने कंटेंट पर हम जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो बेसिकली मुद्दा क्या है, किसी को पता है अली वीर लोगों का? मुझे पता है। क्या मसला हुआ है? पार्टी हो रही है। नहीं, पार्टी तो हो रही है, मेरा सेला था। लड़ाई झगड़ा कौन सी बात पे है? किस बात पे है? इनके को मैं तो कहता हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक बात बताता हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ, एक सीरियस हो गए कि यार मसला हमेशा ना पूरी दुनिया में दो किस्म के होते हैं, एक दौलत का, दूसरा लड़की का। अच्छा। तो यहाँ में लड़की तो है नहीं, फिर दौलत रह जाती है, दौलत का मसला है। आई एम राइट? राइट। आप इतने प्रोफेसर कहाँ से हो गए? इसके साथ मसला बना था वो लड़की तक का था। दौलत का नहीं था। नहीं, बाकी जो है ना शक्ल से लगता है मैं भी, आप आ भी रहा है कि नहीं? हाँ, ये भी नहीं, वाइड एंगल है, वाइड एंगल। अच्छा, बेसिकली इनका कोई आपस में मतलब डेली कोई ना कोई झंझट खाना बना होता है और वो डेली एक वीडियो बनाते हैं। ये कौन सी उर्दू है, झंझट खाना? अच्छा, मेन चीज है, अच्छा मेन चीज है, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि देखे अली वीर को, मतलब वो जो पथराव कर रहे हैं तब भी उसे वीडियो बनाने की पड़ी हुई है भाई। उसका मैं एक वीडियो शूट करूंगा तो उसमें मैं आपको वो तफसील से बताऊंगा कि वो कैसे थी। मैंने उसकी कहानी, मैंने काफी थोड़ी सच बता रहा हूँ, मैंने रिसर्च और की है। और हाँ, बाकी दूसरी बात, आज सुबह मैं वो अब्बास वीर का, पता नहीं कौन सा वीर है, उसके चैनल पर वीडियो आई थी, उसका वालद मतलब बैठा हुआ और वो डिस्कस कर रहा, वो वीडियो जो है ना जिसमें पत्थर लग रहे हैं, वो अब्बास वीर ने शूट की है। हकीकत में सच में मैंने कहा, मैं सच बता, मुझे काफ़ी जो इनकी बातें हैं ना, मैं काफ़ी लोग होते हैं वो, फॉर एग्जांपल ये भाई यूट्यूबर है ना, तो मैं अगर इनको ज्वाइन करता हूँ तो मैं इनकी तीसरी चौथी या ऐसी वीडियोस में जहाँ पे ना मैं इनके दरमियान से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो बैक का नहीं पता था। मैंने इनको दरमियान से ज्वाइन किया था, मुझे पूरी बात का नहीं पता था। आज मैंने इनका चैनल विजिट किया तो मुझे काफ़ी सारी बातें ऐसी मिली जिसमें भाई मुझे इनके मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। और बाकी इन्होंने ना वो अली वीर ने एक लास्ट पता नहीं कौन सी वीडियो का लिंक उठाया है और एक वो साल पहले की, एक साल पहले की 35 मिनट की जिसमें अब्बा जी की खिदमत कर रहे हैं, वहां पर अंगूर वगैरह खिला रहे हैं। और मेन हमारा मुद्दा ये था, लोगों को हम बेसिकली वही शुएब भाई ने बात की थी, उनको कॉपी करता हूँ कि आप जो है एक बात सुन रहे हैं ना उसको न्यूट्रल माइंड से सुने। अगर आप एक बंदे की साइड लेकर सुनेंगे जाहिर सी बात है आपको बात बुरी लग रही हो। भाई मैं आपको इस बात की मिसाल देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है ना जिसने आज तक भैंस नहीं देखी, अगर आप उसे कहेंगे कि उसकी पांच टांगे हैं तो वो मे भी कंसीडर कर ले यार पांच टांगे हैं बिकॉज उसने देखी नहीं है। ऐसा बंदा उसका माइंड न्यूट्रल होगा, माइंड न्यूट्रल होगा। एक बंदा है जिसने भैंस देखी हुई है, आप उसके सामने कुरान मजीद भी ला के रख देंगे, भाई भैंस की पांच टांगे होती है, वो नहीं मानेगा, बिल्कुल बना लिया है। तो आप बेसिक जो भी यार इस तरह की कोई वीडियो बना रहा होता है, आप पहले उसकी वीडियो देखिए, बिल्कुल, फिर उसके बाद अपना सजेशन दी। सम टाइम ये होता है कि हम वीडियो स्टार्ट ही करते हैं, वो अगले बंदे का, आप ज़हीर के बारे में कहूँ ना, बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो जिस बंदे ने पहले पॉजिटिव उसके बारे में माइंड बना लिया, वो मेरे पहले लफ्ज जैसे ही वो सुनेगा बुरा, वो मुझे जी डिसलाइक कर देगा। तो पहले बात सुने उसके बाद फिर आगे चले। और हमारा मेन मकसद ये नहीं कि लाइक्स वगैरह लेना, ठीक है व्यूज के लिए हम कर रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज हमारी होती है कि उन लोगों के असलियत जो है वो आप लोगों के सामने रख रहे होते हैं, पहचान करवा रहे होते हैं कि वो लोग व्यूज के लिए किस हद तक गिर गए हैं। फैमिली तो वो दिखा ही रहे थे, लेकिन ओरिजिनल में मेरा नहीं ख्याल कि ये पंजाब का कोई कल्चर है जो वो दिखा रहे हैं, वो तो गल के जो मसाइल होते हैं, मतलब ये कौन सा कल्चर है कि लड़ाई झगड़े भी यूट्यूब पर चल रहे हैं। भाई मेरी बात सुने ना, जो जिसके पास होता है ना वो वही देते हैं, बिल्कुल।
तो उनके पास था कंजर खाना था, वो उन्होंने अपलोड कर दिया। और वो मेन चीज पता है क्या है, अब हम लोग उनको काफी अर्से से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमारा मेन मकसद उनकी वीडियो देखना नहीं होता, बस मजे लेना होता। बहुत सारे लोग दूसरे से कुछ सीखने के लिए, सीखने के लिए तो हमें तो सीखने के लिए। हमने पता है क्या सीखा है, व्यूज ऐसे मिलते हैं, लड़ाई करो, लड़ाई मेरा तो दिल कर रहा है। अगर हमें कोई यहाँ पर आके मारे, पत्थर मारे या कोई, हमें वीडियो बनाने शुरू ना, मैं बनाऊंगा वीडियो, रोको यार, पत्थर को रोको, प्लीज रोको यार, ये करूंगा यार। मेन मसला हमारा ये मुद्दा है, कुछ लोग कह रहे थे कि यार उनका फैमिली मैटर है, आप लोग जो है उनको मतलब ऐसे आप हंसा मजाक बना रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि अगर फैमिली मैटर है तो किसी बड़े के पास जाएं, सॉल्व करें। हमारे भी फैमिली मैटर होते हैं, शेब भाई का, मेरा, समर भाई का, लेकिन हम लोग ये तो नहीं करते ना यूट्यूब पर आया और वीडियो बना। मदरत के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी जी, फैमिली एक ऐसा चीज का नाम है जिसमें आपके करीबी रिश्तेदार, फॉर एग्जांपल फैमिली में आप अगर कहूँ माँ बाप बहन भाई, इसके अलावा कोई फैमिली नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसमें अटैच करें फिर लंबे रिश्ते बन जाते हैं, बीवी के ससुराल वगैरह। अच्छा, बात फैमिली की वो होती है जो फैमिली के अंदर होती है। फैमिली से जब आप बाहर निकलेंगे वो फैमिली की बात भाई नहीं रहती है। कौन कहता है वो उनकी फैमिली की बात है भाई? बात जब उन्होंने खुद यूट्यूब पे अपलोड की है वो उनकी फैमिली की बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी आप अच्छे जो दानिश्वर बंदा है उससे पूछ लें, ये फैमिली की बात नहीं है। उन्होंने हमारी नज़र में आप ही दानिश्वर है अभी फिलहाल। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ फैमिली की बात अब वो नहीं रही है, बिकॉज उन्होंने खुद उसे पब्लिक किया है। अब जाहिर बात है पब्लिक उसमें पॉजिटिव कमेंट्स भी पास करेगी, नेगेटिव भी करेगी, तो ये अब फैमिली का इशू है। मैंने बहुत अच्छा पहले जब इनको एक्सपोज किया था तब भी लोग कहते थे उनका घरेलू मसला है, तो मैंने कहा था जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं तब आपका घरेलू मसला नहीं रहता, फिर आप यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं तब आपका ये घरेलू मसला कहाँ जा, तब तो ये पब्लिक का मसला। आपने सब सारी जो डिटेल है वो लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को आपने जज बनाया है, जैसा समर भाई लास्ट वीडियो में कह रहे थे यूट्यूब को आप लोगों ने खुद पंचायत बनाया है, मतलब कि फैसला करें। यहाँ पर आपको हर बंदा अलग कमेंट्स करेगा, ठीक है, एक अच्छा मशवरा दे रहा होगा, एक बुरा दे रहा होगा, वही बात है, न्यूट्रल माइंड किसी का नहीं होता, कोई किसी तरीके से सोच रहा है, कोई किसी तरीके से। तो मेरे ख्याल में हमें कोई हक नहीं है आपके बारे में बात करने का, सिर्फ यही आपको सजेशन दे रहे हैं कि आपका जो भी फैमिली इशू है, फैमिली मैटर है, आप उसको काइंडली सॉल्व करें, जाए इसके कि आप रोज़ाना यूट्यूब पर गन मचाएं, रोज़ाना डेली की डेली वीडियो अपलोड करें। और अगर बात होती सिर्फ मैटर की तो वीडियो डीमोनिटाइज होती, इनकी वीडियो में ऐड भी लगे होते हैं और वो भी मर्जी के पैसे कमाने की भी भाई। मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने एक बात की थी कि मेरे घर में लड़ाई हो ना, आपके घर में लड़ाई हो, किसी के घर में, मेरे घर में साथ ही, मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में जब लड़ाई होती है ना, ये एक बात कोई नहीं है कि किसी के घर में लड़ाई ना हो, ये सबके घर में अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है, तो इस तरह मामला होते हैं, एक जज्बात होता है उसका एक्सप्रेशन जो होते हैं इंसान इजहार करता है, तो मामला होते हैं यार घर में, सबके होते हैं। मेरे घर में भी अगर लड़ाई हो तो मैं सच बता रहा हूँ, शाम को लड़ाई हो तो खाना भूल जाते हैं, पका पकाया जो खाना होता है ना वो किसी को नहीं पता होता पका भी आया या नहीं है, तो इनको याद होता है खाना नहीं, वीडियो कैमरे के बाद उसे एडिट करना भी होता है, अपलोड करना भी होता है, और उसमें ऐड लगाने भी होता है, थंबनेल भी याद होता है। यार मेन चीज हमारा मकसद यही है कि ये सारा जो है ये वो एक नहीं वो एक है ना अपना इंडिया के एक थोड़ी सी मीम्स बनी हुई थी, एक मतलब औरत होती है उसके सामने ना वो गवर्नमेंट के बारे में कोई बात कर रहे हैं, वो कहते हैं साले सारे मिलकर हमको आगे, जिन लोगों ने देखे वो तो समझ गए होंगे। बाकी मेन चीज यही है कि ये बस पैसा कमाने के लिए। अब आज सुबह मेरी एक सिस्टर से बात हो रही थी, आई थिंक कैनेडा से थी, तो वो अजम नहीं नहीं हकीकत नहीं कसम से हो रही थी, वो बता रही थी कि मैं इन लोगों की वीडियो जो है वो जस्ट इसलिए देखती हूँ कि पाकिस्तान में हमारे डॉलर जा रहे हैं, ठीक है, मेन चीज़ इसलिए देखती हूँ, अदरवाइज इनकी जो वीडियो है ना मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि वो देखने के काबिल हो, इससे काफ़ी मेहनत वाली जो वीडियो है वो मतलब कम व्यूज़ पर पड़ी हुई हैं और जस्ट ये जो है फैमिली दिखाकर ज़्यादा व्यूज़ पर आ गए। तो बाकी इस मुद्दे को मैं यहाँ पर ही एंड करने की कोशिश करता हूँ, बाकी नेक्स्ट अगर कोई ट्रेंड ना बना तो आपको भाई नहीं बनाएगा, अगर कोई बन गया तो फिर पीछे भी नहीं हटेगा कोई तो बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इन दोनों भाइयों के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे लास्ट वीडियो की तरह नहीं बाकी ना इंशाल्लाह इनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, और हम मतलब एक विलेज में होते हैं और हमें सपोर्ट करें।